क्योंकि इन्होंने ऑफ इंडिया के अकाउंट में फिर एक्सेस है पैसा। जब आपने जो मांगा गया उतना दिया, कोई शार्ट नहीं किया गया उसमें से, और जो शार्ट भी किया तब शार्ट किया, उन्होंने लिखा है ऑफ इंडिया में, पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, आप कहेंगे तो आज भी हमारे पास है दिखाने को, तो उसमें से एक्सेस रहा। जब है आपके पास तो क्यों नहीं दे रहे? 2017-18 में भी है, 18-19 में भी, 19-20 में भी है, 21-20-21 में भी है, और 21-22 में भी है। जब पैसा है अधिक आपके पास तो आपने देने में क्यों कोताही बरती? तो दे देना चाहिए, मिलना चाहिए, ये विषय था। इसी पर उठा, अब कोर्ट का डेकोरम होता है, जब कोर्ट डबल बेंच हो, खासकर चीफ साहब की, जब वो खुद ही एक तरह से सारी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं, फिर ज्यादा वो भी अच्छा नहीं लगता, अनुशासनहीनता का विषय आता है। हमारी बात तो वो समझे हुए, सब वो समझे हुए, और उन्होंने कहा कि हम ये सब समझ चुके, अब आपकी तरफ से देना है, आप हमें दें, क्या दे रहे हैं जल्दी से दें, क्यों नहीं चार्ट बना के लाए? क्या चार्ट बना के दीजिए आप पूरा, तो चार्ट बना के देंगे वो इस बीच में, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी हमें। मैं तो ये मानता हूं शिव कुमार मिश्रा जी, मैं जानता हूं, खुद मैंने अपने जीवन में देखा है कि एक दिन में तो सफलता नहीं मिलती है, ये तो मैं मानता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक बात मैं फिर आपके चैनल से आपके नागरिकों को, आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को, आपके बुद्धिजीवी पैनल और सबको ये कहना चाहता हूं, एक दिन में तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है, एक दिन सफलता मिलती जरूर, एक दिन नहीं मिलती, लेकिन हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं, परेशान होना पड़ रहा है, फाइनेंशियल लॉस है, दूसरी कोर्ट छोड़नी पड़ रही है, दूसरे लोगों के नुकसान हो रहे हैं, दूसरे क्लाइंट के नुकसान होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लोग हताश हो जाते हैं कि आप थे नहीं, आप वहां चले गए, अब आपने उस मैटर को वरीयता दी, हमारे को आपने देखा नहीं, हमारे पे डेट पड़ गई, हमारे पे दूसरे एडवोकेट पेश हुए, आप तो थे ही नहीं, दूसरे का नाम है, आपने अर्जेंट करा, इस तरह की शिकायतें लोगों को रहती हैं। लेकिन अब ये भी जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, या ये कहिए शिव कुमार मिश्र द्वारा पढ़ाया हुआ मामला है, आपके द्वारा प्रेरित किया हुआ मामला है, आपके द्वारा संघर्ष की अगुवाई की गई है, विक्रम सिंह जी के द्वारा ये बढ़ाया गया मामला है, उनके संघर्ष का भी परिणाम है, सबकी इज्जत जुड़ी हुई, अनुदेशकों का आर्थिक लाभ, उनका भविष्य, उनका अच्छा जीवन, उनके परिवार का जीवन, उनसे जुड़े हुए लोगों का जीवन, और उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों के जो जुड़े हुए अनुदेशक, उनसे तो जुड़ा हुआ मामला है ही है, लड़कियों का है, हजारों लड़कियों से परिवार जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े उनका तो सब कुछ है ही, लेकिन सबकी प्रश्न शिशु भी बन गई है, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको क्यों अपनी प्रश्न शिशु बनाए हुए, ये नहीं समझ पा रहा उन्हें क्या पड़ गया है, जो बार बार एजी साहब, एजी छोटी चीज नहीं होता, अटॉर्नी एडवोकेट जनरल होता है,